हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राम प्रसाद दे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, मान लीजिए एक एक रूम है। ठीक है, रूम में हमको टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री। ठीक है, अगर 40 डिग्री का ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो हीटर अपने आप बंद हो जाएगा। कैसे ये अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब ऑटोमेशन करेंगे कैसे अपने आप बंद हो जाएगा, उसी के बारे में आज का वीडियो है। ठीक है, पहले आते हैं क्या क्या हम लोगों को दरकार होगा इसके लिए। पहले तो होगा टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर जिसका वैल्यू है आपका 4000 रुपीस। ठीक है, एक कॉन्टेक्टर चाहिए 220 वोल्ट का, और एक 6 एम्पियर का MCB चाहिए, एक RTD, ये एक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर करता है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, ये एक सेंसर है जो आपका टेम्परेचर सेंस करता है। ठीक है, और हीटर चाहिए, हीटर में हम लोग सप्लाई देते हैं, उसमें रूम गर्म होगा। तो ये सब हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, तब हम इस टेम्परेचर कंट्रोल कर पाएंगे। आते हैं आप पूरा सर्किट कैसे सर्किट होगा। देखिए, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसमें 3 बॉटम रहता है मिनिमम। ठीक है, एक सेट रहता है, एक वैल्यू आपके लिए, एक वैल्यू लो के लिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एक टेम्परेचर घटाने के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोलर में क्या क्या रहता है, देखिए पहले तो रहता है ये जो 3 पॉइंट देख रहे हैं, ये RTD का रहता है, RTD का 3 पॉइंट रहता है। ठीक है, जो RTD का 3 पॉइंट वेयर आएगा वो इसमें कनेक्शन करना है। ठीक है, और टेम्परेचर कंट्रोलर को एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए 220 वोल्ट AC दे दिए। ठीक है, फेज न्यूट्रल, और ये जो फेज है, फेज से कॉमन को लूप कर दिए, मतलब कॉमन में सप्लाई चला गया। अब आ गया जो ये इसका NC है, उसको लेके जाके कॉन्टेक्टर को कॉयल में दे दिए, और ये न्यूट्रल दे दिए। ठीक है, कॉन्टेक्टर को कॉयल में दे दिए, ये न्यूट्रल में दे दिए। फिर आ गया हमको क्या चाहिए, इससे अब हीटर को भी चलाना है। अब कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया, जैसे हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई दिए, 220 वोल्ट सप्लाई दिए आपको टेम्परेचर कंट्रोलर को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, और ये सेंसर है RTD, सेंस कर रहा है कितना टेम्परेचर हो रहा है। हम लोग सेट कर देते, एक मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिए, तो ये टेम्परेचर क्या होता है, फीडबैक लेता है कितना डिग्री हो गया हम लोग रूम का, मान लीजिए 38 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको करना कितना पड़ेगा, 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हो गया, तब क्या करेगा ये इसका NC से लेकर कॉन्टेक्टर को पिकअप किए। ठीक है, कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया, जैसे कॉन्टेक्टर पिकअप हो गया, कॉन्टेक्टर का NO क्या हो जाता है, NC हो जाता है। तो कॉन्टेक्टर का NO से हम हीटर का कॉयल में दे दिए, एक फेज और एक न्यूट्रल इधर से दे दिए, तो हीटर चलने लगा। हीटर अब हीट करेगा, हीटर अब रूम का टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, रूम का टेम्परेचर बढ़ाएगा, जब 38 डिग्री से 40 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा, ये NC जो है ये NO कर देगा, तो इधर सप्लाई कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा, तो हम लोगों का हीटर जो है वो बंद कर देगा, हीटर को बंद कर देगा। इस तरह से प्रोसेस होते रहेगा, रूम का टेम्परेचर हम लोगों का 40 डिग्री मेंटेन होते रहेगा। तो बस, और दोस्तों हम ये खुद कर चुके हैं, हम जो इंडस्ट्रियल में करते हैं, पहले करते हैं प्रैक्टिकल उसके बाद वीडियो बनाते हैं, ऐसे नहीं है जो बना दिए, हम खुद कर चुके हैं ये इसका, और करने के बाद ही हम ये सब वीडियो अपलोड करते हैं। तो बस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।